अब आपको हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं T1 की। T1 के जो हादसा हुआ है, T1 में इस वक्त क्रेन को भेजा गया है और क्रेन के जरिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरा का पूरा जो छत था, जो पूरा स्ट्रक्चर था, स्टील के सहारे, स्टील के बीम्स के सहारे जो खड़ा था, वो भरभरा कर नीचे गिर गया। अब उसको हटाने के लिए हेवी ड्यूटी क्रेन्स को लाया गया है। जो हेवी ड्यूटी क्रेन्स है, अब इन्हीं के जरिए मलबे को हटाया जाएगा। अब देखना होगा कि आखिरकार T1 टर्मिनल को कितना नुकसान पहुंचा है। आप देखिए जो ऊपर का जो इलाका है, इस वक्त यहां पर पुलिस मौजूद है और साथ ही साथ NDRF की टीम भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। हमारे साथ अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, बहुत ही दुर्दनाक हादसा हुआ है, एक शख्स की जान गई है, 6 लोग घायल हैं। फिलहाल मौके पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ और लोग भी फंसे हो सकते हैं? बिल्कुल अमित, हम आपको बता दें कि ये हादसा आज सुबह 5 बजे हुआ। जब भारी बारिश हुई तो सुबह 5 बजे Terminal 1 का जो डिपार्चर की छत थी वो ढह गई। पहले यहां से पानी बहना शुरू हुआ और फिर जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी छत ढह गई। उस समय जो गाड़ियां थी वो वहां पे पार्क थी। जब आप एयरपोर्ट की तरफ आते हैं डिपार्चर में, तो यहीं पे गाड़ियों को रोका जाता है। ये वही जगह है जहां से पैसेंजर्स अंदर जाते हैं, चेक इन करते हैं। उस समय कुछ गाड़ियां वहां पे मौजूद थी जिसके ऊपर ये छत गिर गई। घंटों तक लोग फंसे रहे। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की टीम यहां पे आई, NDRF की टीम आई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अपडेट यह है कि 8 लोग इस हादसे में घायल हैं, एक की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी जो हालत है T1 डिपार्चर की, वो ये है कि पूरा जो पूरा घटना स्थल है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे हवाई यात्रा जो है वो प्रभावित हुई है। या Terminal 1 से जितनी फ्लाइटें उड़नी थी उन्हें रद्द कर दिया गया है 2 बजे तक। स्पाइस जेट ने ये ट्वीट करके जानकारी दी, इंडिगो ने ये ट्वीट करके जानकारी दी। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने ये बताया कि 2 बजे तक इस टर्मिनल से फिलहाल कोई फ्लाइट नहीं जाएगी। जो यात्री हैं वो इस समय परेशान हो रखे हैं। पूरे ऊपर के इलाके को इस समय बंद कर दिया गया है। डिपार्चर का जो एरिया है वहां पे ना कोई यात्री जा सकता, केवल जो रेस्क्यू टीम है वो ऊपर मौजूद है। आप देख सकते हैं क्रेन्स मंगाई गई है, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो छत का था वो पूरा गिरा है, टीन शेड पूरा गिरा है। साथ ही वहां पे जो गाड़ी थी वो अभी भी फंसी हुई है। कोशिश लगातार ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो डिपार्चर का एरिया है, T1 का एरिया है, उसे क्लियर किया जाए, ताकि जो हवाई यात्रा है, जो लोगों का आना जाना है, वो दोबारा से चालू किया जा सके। इस समय जो नागरिक उड्डयन मंत्री है वो भी जायजा लेने पहुंचे हैं। इस समय वो अंदर गए हैं, पूरे हालात के जायजा लिया जा रहा है। एक टीम का गठन किया गया है जो इस बात की जांच करेगा कि हादसे का कारण क्या था। जो अनामिका, आपने कुछ जो अहम जानकारी दी है वो हम बता देते हैं, फिर आपके पास मैं आता हूं। तो अनामिका ने अभी अभी जानकारी दी है कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री है इस वक्त वो खुद मौजूद है, जायजा ले रहे हैं। इस वक्त बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली के T1 एयरपोर्ट पर, जहां पर 8 लोग घायल हुए हैं। पूरा का पूरा जो डिपार्चर का छत था वो नीचे आ गिरा, जिसकी जद में आने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक शख्स की दर्दनाक मौत हुई है। 7 लोग इस वक्त भी अस्पताल में भर्ती है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। खुद जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं इस वक्त पहुंचे हैं T1 टर्मिनल पर और वो आकर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। 2 बजे तक यहां से कोई भी उड़ान नहीं होने जा रहा है। स्पाइसजेट और इंडिगो की ओर से बताया गया है कि जो यात्री हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि 2 बजे तक यहां से कोई फ्लाइट इस वक्त उड़ान नहीं भरेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, इसके जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है, कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी थी T1 के कंस्ट्रक्शन की, T1 के देखरेख की, आखिरकार वो इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि एक बारिश में, कुछ ही घंटे की बारिश में भर भरा कर पूरा का पूरा छत ही नीचे गिर जाए। और इतने भारी भरकम जो लोहे के पोल्स लगे हुए थे जिसके सारे पूरा छत खड़ा था, वो कैसे नीचे आ गिरा? अनामिका, इस वक्त कोई जानकारी मिल पा रही है जो कंपनी इसको देख रही है, जिस कंपनी के मार्फत इस पूरे टर्मिनल की देखरेख होती है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनका क्या कहना है? कहां लापरवाही हुई कि जान चली गई, कुछ लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं? अनामिका, आपको आवाज मिल रही है?
तो एनडीआरएफ की टीम को आप देख सकते हैं इस वक्त यहां मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम भी मदद कर रही है ताकि जो मलबा है उसे तुरंत हटाया जा सके, ताकि एक बार फिर से यहां से जो विमानों की आवाजाही है वो शुरू हो सके। लेकिन आपको बता दें इस वक्त मौके पर देश के नागरिक उड्डयन मंत्री मौजूद हैं, जो खुद पूरे मामले की जांच के लिए पहुंचे हैं और वो देखने जा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ और तुरंत जिनको मदद चाहिए उन तक पहुंचाया जा सके।